G7 समिट में हिस्सा लेने जापान पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने थोड़ी देर पहले जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, अर्थव्यवस्था और संस्कृति सहित दूसरे क्षेत्रों में दोनों देशों की मित्रता को और बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वो G7 के आयोजन के लिए प्रधानमंत्री किशिदा को बधाई देते हैं और इसमें आमंत्रित करने के लिए वो बहुत आभारी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो बोधि वृक्ष उन्होंने फुमियो किशिदा को दिया था उसको उन्होंने हिरोशिमा में लगाया है। जैसे जैसे वो बढ़ेगा वैसे वैसे भारत और जापान के संबंधों को मजबूती मिलेगी। इस बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने हिरोशिमा में गांधी जी की मूर्ति का अनावरण भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हिरोशिमा का नाम सुनते ही दुनिया आज भी डर जाती है। उन्होंने कहा कि हिरोशिमा में गांधी जी की प्रतिमा अहिंसा के विचार को और आगे बढ़ाएगी। हिरोशिमा से प्रधानमंत्री का यह शांति का संदेश दुनिया के लिए। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा से मुलाकात की और गांधी जी की प्रतिमा का कुछ इस तरीके से अनावरण किया। G7 समिट की मेरी इस विजिट में मुझे सबसे पहले पूज्य महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण का सौभाग्य मिलना, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सुयोग है। बुद्ध और गांधी की धरती, जिसने विश्व को शांति का संदेश दिया, हिरोशिमा की धरती पर, और जापान जो कि भगवान बुद्ध के विचारों के से पल्लवित पोषित है, वहां पूज्य बापू की प्रतिमा अहिंसा के, करुणा के उन विचारों को आगे ले जाने में बहुत बड़ी प्रेरणा बनेंगे।